आर टी वी वन देखने वाले प्यार दर्शकों मेरे वालों और मेरे नाल सहयोगी अशोक तलवार जी वालों प्यार भरी सत श्रीकाल। प्यारे दर्शको, साडा रोजाना का प्रोग्राम लोगों के मुद्दे जिहड़े असीं चकते रहिंदे आ, ते मुद्दे दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि मास्टर जी बिल्कुल जी बिल्कुल हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं ते मुद्दे भी बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का जिहड़ा कहर है दिन प्रतिदिन वधदा ही जा रहा है, तो असं अज गल कर रहे हैं कि अलग अलग जिहड़ियां सानूं सामने आ रही समस्यावां लोगों दीआं। देखो जी, ऐसा बग्गा जी हल लभना चाहिए कि जे तो कोरोना तो भी बचा हो ते लोकां दे जिहड़े मुद्दे मसले वो भी हल हो जाए। ये प्रशासन नूं भी चाहिए ते लोगों के नाल उहनां दे मुद्दिआं ते विचार करनी चाहिए जी जी। फिर लोगों की पर मास्टर जी एक गल हो रहा है भी जिमें कि साढ़े एस एस पी ना सॉरी डी सी मैडम सोनाली पास जो भी कोई बंदा अपनी समस्या या मुद्दा लेके जाता है जी, तो उन्होंने वालों एक ही गल कही जाती है भी ये जड़िया हदायत है ये मेरे वालों नहीं है, ये सरकार वालों है। बाकी सरकार जो चाहती जो करे वो सरकार की मर्जी है, करना तो सरकार ने ही है, पर जोड़े इतने के साढ़े प्रशासन के अधिकारी ने मैडम जी ये लोगों के मुद्दे सरकार मूहे दस सकते सरकार लोगों आ मुश्किल। दरअसल मास्टर जी भी पहला तो जो लॉकडाउन का नाम लेंदे सार ही त्रेलियां पैन ला शुरू हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये गल कोई झूठ नहीं है। असी लोगों की गल की करते अं आम हर वर्ग के लोगों की गल करते हर वर्ग की करते, क्योंकि जो मैं गल शेयर कर लग्या जी कल मैनू एक फोन आया, फोन इन्ना कितों आया कितों नहीं आया जी, तो एक लेडीज़ का फोन सी। अच्छा जी, तो मैनू कहिंदे भी तुसी मीडिया वाले फोन क्यों नहीं उठाते। अच्छा जी, मैं उन्होंने कहा मैडम जी थोड़ा जिहा पानी पियो तो मैं दसो तुसी कौन है कितों बोलते हैं, तो मीडिया वाले हाँ मीडिया वाले फोन नहीं चकते। कहिंदे मैं पी टी सी वाले भी फोन किया, मैं उन्होंने भी किया उन्होंने भी किया, किसी ने मेरा फोन नहीं चुकया। तो तुहाडा फोन मैं कहा मैडम जी मैं तो तुहाडा फोन इमीजिएटली पिक किया। कहते हाँ जी तुम चक लिया। मैं क्या प्रॉब्लम दसो की है? कहते इन्ने डरे हुए हैं, डर मैं गल डर दी कर रहा। तो मैं कहते जी असी चंडी मोहाली तो बोल रहे हैं किसी हॉस्पिटल तो डॉक्टर। अच्छा जी, तो कहते भी लॉकडाउन तो नहीं लगन लग्या 3 तरीक तो भी मैं सुनया भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री साहब ने ऐलान कर दिया। हाँ, अफवाह 3 तरीक तो लॉकडाउन हाँ लग रही। अफवाह वैसे अफवाह क्या वैसे लोगों के बीच ये चीज़ हैगी है, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब यह है भी केस बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा एक गल होर है, हुण असीं अपने रोपड़ टीवी की सारे टीम के करा के लिया सैंपलिंग। हाँ जी, तो रिपोर्ट तुसीं चक के लिया की गल कितना होया ठीक रहे? बिल्कुल ठीक है जी, सारे ओके है। अच्छा, रिपोर्ट आई सब दी देख लो, वाहिगुरु दे जिहड़ी मेहर है। हालांकि देखो असीं सब तो वध लोकां च विचरदे हां जाने हैं, और जिथे केस भी हुंदे ने कोरोना दे उत्थे भी असीं जाने हैं अपने कैमरे लेके सब, पर फिर भी देख लो सच्चे पातशाह दी कृपा साडे सारी टीम नेगेटिव आई। प्यारे दर्शको, असीं अपने रोपड़ टीवी वन दी सारी टीम दे जिहड़े सैंपल कोरोना टेस्ट कराए सी, कोरोना टेस्ट कराए सी, ते मास्टर जी नूं मैं भेजा सी इन्हां नूं रिपोर्टां लैण वास्ते, ते रिपोर्टां लेके जदों आए तां साडे 5 दे 5 बंदे बिल्कुल नेगेटिव पाए गए ने। पर काफ़ी जिद्दोजहद जी सानू करनी पैंती है लोगों की समस्यावान वास्ते, सानू हर वेले तुरना पैंता है। देखो ना हस्पताल च भी किन्ना रश सी हाँ बहुत वाले दा। नहीं वो मास्टर जी पता कि मजबूरी नहीं करा रहे हैं वो क्या है कि इधर जाने वाले कोई हिमाचल अच्छा तो उन्होंने वो जरूरी सी जी ना, हाँ जी ना, जिमें एन ओ सी लैनी जरूरी होंगी ना। तो दूजी गल एक अज होर आई है जो होटल रोड के किनारे है नैशनल हाईवे भावें खोल दिता खोल आए पर लेकिन जोड़े होटल है उन्होंने 9 बजे तक जी रोटी देन दी है वह भी पैकिंग करके देन दी है अच्छा। हदायत है जबकि अंदर बैठा के खिलान अंदर बैठा के खिलान देनी है। अच्छा, तो दूजी गल एक होर है बड़ी दुख की गल है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खर्चे है वर्कर है बिजली के बिल है कोई सरकार वालों कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है नहीं है। अच्छा, क्योंकि बाहरले मुल्क दरकार जी जे असी अंदर बिठा दिता सू 15 दिन उतों की सरकार खर्चा दी है, खर्चा दी है बकायदा बिल्कुल फुल खर्चा, पर साड़ियां सरकारां तां उल्टा पैसे लैंदियां है देख लो वाहिगुरु दे रंग। ते इह देखो तां साड़ियां सरकारां नूं भी पता भी बाहरलियां कंट्रियां च कहदे कहदे कानून हैगे इन्हां नूं भी तां पता ही है इह इत्थे लागू क्यों नहीं करदे। दूजी गल माणयोग मुख्यमंत्री साहब नूं लोकां ने साडे मीडिया राहीं भी काफ़ी मंगां कीतियां
कि जिहड़ा दुकानां दा समां है सवेरे 3 घंटे शामे 3 घंटे बेशक सारा दिन बंद करना ते हुण तुसीं लै लो कल शनिवार ते ऐतवार बिल्कुल बंद है बिल्कुल बंद ते जिन्ने भी अच्छा दूजी गल आ जिहड़ियां एजुकेशन दियां दुकान ओह इंस्टीट्यूट है ये भी बिल्कुल बंद है बिल्कुल बंद है जी। अच्छा दूजी गल किराए पै रहे हैं बिजली दे बल पैणे ही पैणे हैं वो तो पैणे पैणे हैं जी। लोकी ना पिछले जिहड़े करोना दे विच इन्ने डरे होए ने लोग पर मैं दर्शकों नूं कहांगा भी दर्शको भी कहिंदे हुंदे भी सच्चा बका जी तुसीं देखो भई हुण किन्नियां किन्नियां लाशां फूकण लई लाइन च पर लगियां देखिया ना तुसीं दिल्ली वाले ते उत्थे शमशान घाट च बारी नहीं आ रही और लाशां पईयां लाइन तो लगियां किन्नियां किन्नियां कई तरह दियां वीडियो भी असीं देखदे आं देख रहे हैं पटियाले दा भी हाल बुरा उत्थे भी कहिंदे शमशान घाट तो बाहर ही लोकी पार्क ते लपे अच्छा हां जी चलो संस्कार कर तो यह सी जिहड़ियां साडियां गल्लां बातां जिहड़ियां लोग रोज़मर्रा की जिंदगी लोगों के पेशा रहे तो असीं थोड़े जिहे नज़र मार लैंदे आं अज्ज दियां हेडलाइनां ते सुर्खियां ते हाँ जी ते मेन सुरखी साडे अज स्वर्णकार संघ दी नलायकी कारण कौंसलर प्रधान नूं महंगी पई ताजपोशी अच्छा खुशी भी वाधू खुशी भी माड़ी माड़ी हुंदी अच्छा असीं फोटो दे विच भी देख रहे सीगे भी किवें नाल जुड़ जुड़ के फोटो खिचा रहे सीगे ते मास्क लाने भी भुल गए हाँ सिटी पुलिस ने 3 कौंसलर समेत 15 दे चलान कटे ते तुसीं ला लो हिसाब भी किन्ने किन्ने दा टीका लग्गिया होगा 1000 रुपए तां घटो तां होणा ही है 1000 रुपए का जरा टीका जरा इन्हों लग्या है तो पर इतने मानयोग SSP साहब वालों सख्त हदायत जीतिया हुई तो दूजे मास्क ना पाने वाले अलग इंतजाम कर दते है मानयोग SSP साहब वालों तो उन्होंने अलग अलग जेल बनाती जेल हाँ अच्छा जी कोविड की उलंघना करने वाले जाएंगे खुलिया जेलों अच्छा जिमें फूल थोड़े इलेक्ट्रॉनिक होर जो संस्थाव जो स्थान है IIT हाँ उत्थे उन्होंने 7 जी जेलां बनाई गई अलग अलग हाँ तो ये नहीं है भी हम जे बी धक्के चढ़ गए पुलिस जिला लोगों को बेनती कर रहे भी अमल कर लिया कर हाँ भी अमल करनी चाहिए है हाँ जी तो एक होर खबर मैं एक देख रहा भी स्कूलों की सेंट कार्मल स्कूल की जी खबर है वो फीसा का जोड़ा पिया मास्टर जी मैंने एक गल दसो जदों साडे बच्चे घर बैठे हुए हैं चलो तुसीं ऑनलाइन जे पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन फीस लैण दे हकदार है लै लो पर जिहड़ा बिल्डिंग फंड होर फंड बिजली का फंड पानी का यह जाती है दूजी एक होर इन्हां वल्लों कहा गया भी वर्दियां भी लो बच्चों नूं कहिंदे भी बच्चे जब ऑनलाइन जे बैठणगे तो वर्दी पा के बैठणगे ये कित्थों दा कानून है बच्चे अपने घर बैठे हैं ये जे साडे अमरजीत सिंह सैनी दे इन्हां दे लागी असूल है इन्हों पैसा बहुत जरूरी चाहिए है इन्हों पैसा लेकिन दूजी गल हुण सुन लियो पैसा जिहदे मर्जी को जिन्ना मर्जी हैगा पर रब ने एक बार दिखा दिता ना भी रब मैं हैगा पैसे नाल तुसीं सिलेंडर खरीद लैंदे आ साडे वर्गा गरीब कोई होर नहीं खरीद सकता जिवें कि ऑक्सीजन की घाट पैदा हुई है ऑक्सीजन की घाट पैदा कित्थों हुई है ये भी पता करो ना हाँ ये भी देखो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਕਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਰਖਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੱਢੀ ਗਏ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਨੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਛਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਛਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਾਂ ਲੱਭਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਬ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਕੱਟ ਕੇ ਬਸ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਜੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘਣੇ ਬੂਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਪਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੋਪੜ ਦੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾ ਦੀਪ ਸ਼ਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਾਹਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦੇਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣ 7 ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ 1 ਮਈ ਦਿਵਸ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੈਸੇ ਹੁਲੜਬਾਜੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੋ ਦੋ ਫਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਰੋਪੜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨੂਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਖੁਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ।